अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, राइट टू स्पीक जो है, इसको बतौर फंडामेंटल राइट दुनिया के तमाम जो कानून आइन में तस्लीम किया गया है, इसको बुनियादी हक जो है बोलने के हक को, अपने जो व्यू देने के हक को, अपने आज़ादी गुफ्तार जो है उसका हक जो है उसको तस्लीम किया है। अगर हम दुनिया के कानून कवानीन या आइन का जो उसका बगौर जायज़ा लें, तो सबसे पहले आप देखें कि अक्वाम आलम ने जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो पास किया था, उसका आर्टिकल 19 इसको राइट ऑफ स्पीच को तस्लीम करता है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 का आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसको तस्लीम करता है। पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी आर्टिकल 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आज़ादी इजहार को, चाहे वो प्रेस की आज़ादी हो या वो कोई किसी किस्म का भी किसी भी तरीके का कोई इजहार है, उसको बुनियादी हक जो है वो सवर किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 199 के तहत और 184 के तहत जो है, सब आर्टिकल 3 या 185, जितना भी उसके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसके, वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन, अगर किसी का ये राइट जो है उसको सलब किया जाता है, तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो इस राइट की हिफाजत करती है। अमेरिका के आइन में 14वीं तरमीम के ज़रिए आज़ादी इजहार को तहफ़ दिया गया है। अब अगर देखें कि यूके में देखें, तो यूके का सबसे पहले ये है कि बैगना कार्टा जो था 1215 में पास हुआ, अगर उसमें आज़ादी इजहार को जो है वो फंडामेंटल राइट के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, लेकिन उससे 400 साल बाद जो है राइट ह्यूमन राइट्स एक्ट जो था उसमें इसको माना गया है। और अब जो है कि उसका एक ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 है, उसमें इसको सेक्शन 10 में जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको बुनियादी हक जो है इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में भी ये मुख्तलिफ आइन में जो है इसको बुनियादी हैसियत हासिल थी, लेकिन इस पर जो देखेंगे कुछ कदगंज लगाई गई हैं जो कि रियासत के मफाद में और मफाद आमा में लगाई गई हैं, कि देखेंगे दफा जो है पाकिस्तान की बका दफा जो है उसको, उसके ख़िलाफ़ जो है ना ये हक हासिल नहीं है, उसके वक़ार के ख़िलाफ़ है। इस्लामी जो है शायर जो है या इस्लामी वक़ार जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं है इसको। इसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ आप राइट ऑफ स्पीच जो है, जैसे चाइना है, आप उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई बद अखलाकी, कोई तहबाद तहजीबी जो है उसको आप अगर किसी भी प्रिंटेड या फिर जो है वो किसी भी ज़रिए से आप करते हैं, तो उसको भी फिर आप उसमें दफा में ये नहीं कहते कि जी ये मेरा राइट ऑफ स्पीच है, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसी तरह अदालत जो है उसकी तहीन करते हुए अब कोई ऐसी, जैसे कि देखिए मुख्तलिफ लाज हैं, जैसे PPC में 228 है, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उसकी कंटेम्प्ट हो, उसका वक़ार अदालत का मजरूह हो, और किसी जुर्म को करने या उसके को उबारने के लिए, उसके उसको उबारने के लिए, अबेटमेंट करने के लिए भी आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि जी मैं, मुझे राइट ऑफ स्पीच था। तो ये बुनियादी हक है जिसको दुनिया के तमाम कानून, तमाम आइन जो है वो इसको मानते हैं। और सिर्फ ये होता है कि जैसे कि पाकिस्तान में है कि जब भी कोई माशाल्लाह आता है तो इन पर रुकावटें आ जाती हैं, इन पर कदगने आ जाती हैं, लेकिन जमहूरियत के दौर में, जमहूरियत का बुनियादी हुस्न ये है कि किसी को भी शख्स को जो है वो आज़ादी इजहार हासिल हो, वो किसी भी मामले पर अपनी राय जो है वो दे सके, किसी भी मामले पर जो है वो बात कर सके। तो इस राइट को दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो मनो अन तस्लीम करते हैं, तमाम कानून कवानीन जो है वो तस्लीम करते हैं, तमाम अदालतें जो हैं वो बुनियादी हकूक़ के तहफ़ के लिए, इस बुनियादी हकूक़ के तहफ़ के लिए काम करती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सी जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगी, और मेरे आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।